नमस्कार दोस्तों, ट्रिक गुरु अमित गुप्ता के यूट्यूब चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, कैलेंडर के इस दूसरे सीरीज में मैं आपको एक माह में दिन ज्ञात करने का एकदम धांसू तरीका आपको बताने वाला हूं। इससे पहले के वीडियो में मैंने सप्ताह में दिन ज्ञात करने का ट्रिकी तरीका आपको बतलाया था। इस तरीके से सबसे पहले हम लिख कर दिन ज्ञात करेंगे, उसके बाद ऐसे प्रश्नों को हम सिर्फ मुंहजबानी तरीके से 5 सेकेंड में कैसे हल कर सकते हैं, इसके बारे में भी मैं आपको बतलाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। लिखा, यदि किसी महीने की 2 तारीख को रविवार पड़ता है तो उसी महीने की 31 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा। तो ट्रिक में है कि बड़ी तिथि लिखना है, तो बड़ी तिथि क्या है, 31। ये लिखा है, इसमें पहले हम प्रश्न को लिख लेते हैं। 2 तारीख को क्या है, 2 तारीख को है रविवार। तो अब बड़ी तिथि लिख लेते हैं पहले, और उसके बाद जोड़ इसमें से माइनस करना है हमको छोटी तिथि, यानी कि 2 तारीख माइनस 2 तारीख और बटे में क्या है, 7। और हमेशा शेषफल पर ध्यान लेना है, हमेशा पूरे कैलेंडर में याद रखिएगा, 7 से जब भी भाग देंगे शेषफल पर ध्यान ले जाएंगे। अगर हमारा जो भी आंसर आएगा, तो अगर आने वाले कल के बारे में पूछा जा रहा है तो प्लस होगा, और बीते हुए कल के बारे में पूछा जाएगा तो हम माइनस करेंगे जो भी रिजल्ट आएगा। देखते हैं कैसे। तो 21 में से 2 निकालेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 29 बटा में 7। अब 7 से कटाएंगे, 7 चौक 28, लेकिन 4 पर ध्यान नहीं ले जाएंगे, 7 चौक 28 शेषफल 1। तो ये 1 जो है इसमें रविवार में हम लोग जोड़ देंगे, रविवार में एक दिन जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा सोमवार। यहाँ पे हम लिख सकते हैं सोमवार। जगह की कमी के चलते मैंने विकल्प का यहाँ पर नहीं लिखा विकल्प, लेकिन सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। अभी मैं इसको मुझबानी तरीके से बताऊंगा। अब हम दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें लिखा है किसी महीने की 22 तारीख को शनिवार था, तो हम लोग लिख ले रहे हैं इसको 22 तारीख को क्या था, शनिवार था। तो अब ट्रिक पे आते हैं। इसमें चूंकि 22 तारीख का दे के 7 तारीख का पूछ रहा है, महीना एक ही है, यानी 22 तारीख का दे के 7 तारीख का पूछने का मतलब ये बीत चुका है, यानी कि भूतकाल का पूछ रहा है। इस वाले प्रश्न में 2 तारीख का देकर 31 तारीख का पूछ रहा था, यानी आने वाले समय के बारे में पूछ रहा था। तो भी ट्रिक वही लगेगा, यानी बड़ी तिथि माइनस छोटी तिथि बटा में 7। 22 में 7 निकालेंगे 15, 15 बटा में 7, 7 × 14, लेकिन 2 पर ध्यान नहीं ले जाएंगे बल्कि शेषफल 1 पर ध्यान ले जाएंगे। तो अब ये ध्यान देना है कि शनिवार में एक दिन ये जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि भूतकाल का पूछ रहा है, इसलिए यहाँ पे माइनस 1 कर देंगे। माइनस 1 करेंगे तो शनिवार में से एक दिन निकल जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा शुक्रवार। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं शुक्रवार। यानी कि ट्रिक एक ही है, भूतकाल का पूछेगा तो माइनस, भविष्यकाल यानी आने वाले कल के बारे में पूछेगा तो हम प्लस कर देंगे। अब जल्दी से तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। अब इसमें देखिए, कभी कभी प्रश्न थोड़ा सा घुमाकर पूछ देता है, लेकिन आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जनवरी का 12वां दिन, तो जनवरी का पहला दिन यानी 1 तारीख की बात हो रही है, जनवरी का 5वां दिन यानी 5 तारीख की बात हो रही है, उसी तरह से जनवरी का 12वां दिन यानी कि 12 जनवरी की बात की जा रही है। 12 जनवरी, जनवरी का 12वां दिन यानी कि 12 जनवरी क्या था, तो बृहस्पतिवार से 4 दिन पहले पड़ता है, यानी बृहस्पतिवार नहीं था। जनवरी का 12वां दिन यानी कि 12 जनवरी को बृहस्पतिवार नहीं था, बल्कि बृहस्पतिवार से 4 दिन पहले। तो बृहस्पतिवार से 4 दिन पहले जाएंगे तो बुधवार, मंगलवार, सोमवार, रविवार, यानी 12 जनवरी को क्या था, तो रविवार था। अब यहाँ पर ये याद रखिएगा कि मैंने इससे पिछले वाले वीडियो में बताया था कि से पहले लिखा रहे या के पहले लिखा रहे तो जितना लिखा रहता है सिर्फ उतना ही घटाते हैं, लेकिन के बाद लिखा रहे तो एक ज़्यादा जोड़ते हैं। तो उस पहले वीडियो का भी यहाँ पे ध्यान देना है। तो यहाँ पे सिर्फ से पहले था इसलिए जीता लिखा है, सिर्फ उतना ही दिन हम लोगों ने बृहस्पतिवार में घटा दिया तो ये रविवार आ गया, यानी कि 12 जनवरी को रविवार था। तो अब पूछ रहा है कि यानी 21वां दिन यानी कि 21 जनवरी को कौन सा दिन होगा। तो फिर वही अब ट्रिक लग गया, यानी 21 बड़ी तिथि है और इसमें छोटी तिथि क्या हो गई, 12, इसमें बटा में 7। तो 21 में से 12 निकालेंगे, 9 बटा में 7, 7 × 7, लेकिन 1 पर ध्यान नहीं ले जाएंगे, शेषफल 2। तो रविवार में, अब ये आने वाले समय के बारे में पूछ रहा है इसलिए इसमें 2 जोड़ देंगे, तो रविवार में 2 दिन जोड़ेंगे तो सोमवार, और हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा मंगलवार। हम यहाँ पे मंगलवार भी लिख सकते हैं। अब तीसरा प्रश्न मैंने आपके लिए छोड़ा है, लेकिन फिर मैं इसी ट्रिक को अब मुझबानी तरीके से बता रहा हूँ, दूसरे तरीके से, यानी परीक्षा हाल में अपना आप समय कैसे बचा लेंगे। तो ये वाला तरीका मैं बता रहा हूँ,
लेकिन आप पहले लिख लिख के लगाइएगा, जब आपके दिमाग में एक फंडा बन जाएगा तो आप ऑटोमेटिक मुजबानी तरीके से भी लगा सकते हैं। तो मैं दो प्रश्नों को मुजबानी बता दे रहा हूँ। देखिए, आप परीक्षा में ऐसे प्रश्न, ऑनलाइन परीक्षा है तो कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको ये दिखेगा, तो आप प्रश्न थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, समझ जाइएगा। बड़ी तिथि 31 है, छोटी तिथि 2 है, 31 में से 2 निकलेगा तो मुजबानी आप समझ जाएंगे कि 29 आएगा। तो जो भी घटाने पर आए उसमें 7 से भाग दीजिएगा, तो 29 में 7 से भाग देंगे तो 7 × 28 शेषफल 1, तो जो 1 है तो उस 1 को रविवार में जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा सोमवार। फिर उसी तरह से 22 तारीख को शनिवार है और 7 तारीख को कौन सा दिन, यानी इसमें पीछे का पूछा जा रहा है, तो 22 में से 7 निकालेंगे तो हमारा आंसर आएगा 15। 15 में 7 का भाग देंगे, 7 × 14 शेषफल 1। तो इस बार चूंकि भूतकाल का पूछ रहा है तो शनिवार में एक दिन घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा शुक्रवार। उसी तरीके से मुजबानी इसको भी निकाला जा सकता है, देख लीजिए इसको भी। 12वां दिन यानी कि 12 तारीख को, लिखना नहीं दिमाग में आप रखिएगा, 12 तारीख को क्या था, बृहस्पतिवार से 4 दिन पहले। तो 4 दिन पहले यानी कि जहां से चलते हैं उस दिन को छोड़ के जहां पहुंचते हैं उसको लेकर, तो बृहस्पतिवार को छोड़ के गिनिए, बुधवार, मंगलवार, सोमवार, रविवार, यानी 12 तारीख को क्या था, रविवार था। तो अब पूछ रहा है कि 21वां दिन यानी 21 तारीख को कौन से दिन होगा, तो 21 में से 12 निकालिए, 9, 9 में 7 का भाग दीजिए, 7 × 7 शेषफल 2, तो रविवार में 2 दिन जोड़ दीजिए, सोमवार मंगलवार, फिर से हमारा आंसर आ जाएगा। इस प्रश्न का जवाब बहुत ही आसान है, 5 सेकंड में आप देने में सक्षम हो चुके होंगे। आप इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और मेरे कैलेंडर के सभी वीडियो को आप क्रमशः देखेंगे तो ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ये सब काम करना आपको जरूर चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।